हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वीडियो में आप सबका वेलकम। और क्रिकेट फील्ड की खबरें, स्पोर्ट्स फील्ड की खबरें लेकर के आप सबके साथ में हर रोज़ की तरह जुड़ गया हूँ। जो भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें, जो भी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, उन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली खबर के साथ शुरुआत, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो सीरीज़ हुई थी उसका दूसरा टेस्ट मैच बेंगलुरु में जहाँ खेला गया था, उस पिच को ICC ने बिलो एवरेज रेट किया है और साथ में एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया है बेंगलुरु की पिच को। अब दरअसल तीन दिन के अंदर ये मैच ख़त्म हो गया था, मैच ओवर हो गया था। और इसकी वजह जो बताई गई थी, इसका जो रीज़न दिया गया था डीमेरिट पॉइंट देने का, बिलो एवरेज रेट करने का, वो ये था कि एक प्रॉपर कॉन्टेस्ट नहीं है बॉल और बैट के बीच में, इसके चलते ये डीमेरिट पॉइंट दिया गया। और शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा टर्न मिल रहा था तो स्पिनर्स के लिए एकदम फ्रेंडली विकेट थी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर महसूस हुई थी। तो ये कहना था ICC की तरफ से, जहाँ पर डिमेरिट पॉइंट दिया गया बेंगलुरु की पिच को। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो फिर श्रेयस अय्यर ने बताया उनका फेवरेट कप्तान कौन है। दरअसल एक इवेंट था, वहाँ पर श्रेयस अय्यर से पूछा गया KL राहुल के बारे में, तो उन्होंने बोला कि भाई KL राहुल मेरे फेवरेट कप्तान है, क्योंकि भाई मेरे को उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी भी करवाई थी एक बार। तो इसके चलते एक मजाक या अंदाज में उन्होंने KL राहुल को उनका फेवरेट कप्तान बताया है। सब जगह पर ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ही खबर चल रही है। इसके बाद में अगली खबर जो है वो रॉबिन उथप्पा से जुड़ी हुई है। अब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने PSL और IPL को लेकर के एक ट्वीट किया था, उसका तगड़ा एकदम जवाब दिया है रॉबिन उथप्पा ने। 4 वर्ड का उनका रिप्लाई था, लेकिन जवाब बड़ा तगड़ा था। दरअसल पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि PSL और IPL के बीच में कोई भी कंपैरिजन वाली बात नहीं है, क्योंकि IPL काफ़ी समय पहले शुरू हुआ था और PSL अब कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है। लेकिन IPL के कंपैरिजन में अगर आप PSL को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन्होंने गेन करी है PSL ने। बाकी उन्होंने दरअसल IPL से कंपेयर नहीं किया, उन्होंने बोला कि बाकी जितने भी लीग्स हैं उनके कंपैरिजन में आप PSL को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी है PSL ने, और IPL से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जब IPL शुरू हुआ था तब कोई और इस तरह की लीग नहीं चलती थी, तो उसका एडवांटेज IPL को मिला है। तो इस पर जो रॉबिन उथप्पा का रिप्लाई था वो ये था कि IPL ने एक मार्केट क्रिएट कर दिया है सबके लिए, तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया था, IPL क्रिएटेड द मार्केट। तो ये एक उनका एक रिप्लाई था, बहुत एपिक रिप्लाई है। इसके तौर पे लोग इसको देख रहे हैं कि भाई 100 सुनार की और जो एक लोहार वाली बात रहती है ना, वो छोटे से शब्द में उन्होंने सब कुछ कह दिया कि भाई IPL ने ही आप सबको एक लीग शुरू करने का एक ऑप्शन दिखाया था, किस तरीके से किया जाता है जिससे आप सब भी पैसे कमा सकें। तो रॉबिन उथप्पा की तरफ से ये जवाब था। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की, तो फिर मुंबई इंडियंस ने उनकी टीम के लिए एक बायोसिक्योर बबल तैयार किया है, और ये बायोसिक्योर बबल जो है वो आउटडोर बायोसिक्योर बबल है। अब अपनी टीम के प्लेयर्स के लिए, फैमिली के लिए, साथ में जो सपोर्ट स्टाफ है उन सब के लिए एक आउटडोर अरीना तैयार किया है, और इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने की, और अलग अलग एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं सब। और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए लगभग 13,000 एकड़ के एरिया में एक उन्होंने अरीना तैयार किया है, जो कि आउटडोर बायोसिक्योर बबल रहेगा उनकी टीम के लिए। अब बात करते हैं अगली एक और दो खबरें जो हैं उनसे जुड़ी हुई। अब ऑल इंग्लैंड ओपन जो चल रहा था लक्ष्य सेन को, उसमें फ़ाइनल में जगह बनाई थी लक्ष्य सेन ने, लेकिन फ़ाइनल मुकाबला लक्ष्य सेन हार गए, और एक्सेलसन के खिलाफ ही उनका मैच हुआ था, जो कि ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और फॉर्मर अभी वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं इस समय। तो उनके खिलाफ ही मैच था, जर्मन ओपन में उनको लक्ष्य सेन ने हराया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अब हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ऑल इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात, और इसी के चलते जो सब दिग्गज हैं वो लक्ष्य सेन को बधाई दे रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी उनके लिए विशेष दी हैं, उन्होंने बोला कि सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक या तो आदमी जीतता है या फिर इंसान जो है वो सीखता है, हार कभी भी नहीं होती है, इसलिए निराश ना हो और जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया है उस तरह से करते रहें। PM नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी है और बोला है कि आपका भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्जवल है, ऐसा दिखाई देता है, तो आप लगे रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। तो इस तरह से विशेष सब जगह से आ रही हैं लक्ष्य सेन के लिए, और बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने बहुत कम एज में हासिल किया है। तो इस तरह से जो भी कुछ आज की बड़ी बड़ी खबरें थी वो सब मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में रॉबिन उथप्पा का रिप्लाई आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।